गाइज, हम कभी कभी दूसरे के क्वेश्चन के आंसर देने के लिए इस प्रकार के सेंटेंसेस का यूज़ करते हैं, जहाँ पर हम कहते हैं कि उस पर गुस्सा ना करूँ तो क्या करूँ, रो ना तो क्या करूँ, खेलू नहीं तो क्या करूँ, उसे मारू ना तो क्या करूँ। सो गाइज, इस प्रकार के सेंटेंसेस को हम इंग्लिश में कैसे कहेंगे? इस प्रकार के सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलने के लिए हमको फ्रेज यूज़ करना पड़ेगा व्हाट डू आई डू, और यू कैन से व्हाट शुड आई डू, What do I do? Or you can use What should I do? चलिए इसका कंप्लीट स्ट्रक्चर देख लेते हैं। पहले आपको लिखना पड़ेगा What, इसके बाद आपको यूज़ कर देने do या फिर should, इसके बाद आपको लिख देनी है I do, इसके बाद आपको यूज़ कर देनी है if not, if not के बाद आपको यूज़ करनी है verb की फर्स्ट फॉर्म और लास्ट में अदर वर्ड्स। अगर आप लिख रहे हैं तो लास्ट में एक क्वेश्चन मार्क जरूर लगाइए। चलिए कुछ एग्जाम्पल के मदद से इसे और भी बेहतर समझने की कोशिश करते हैं। अगर आपसे मम्मी पूछती है कि क्या खेल रहे हैं आप, अगर आपका जवाब आता है कि खेलूँ नहीं तो क्या करूँ, एग्ज़ाम तो ख़त्म हो गया ना। सो इस प्रकार के सेंटेंसेस का आप इस प्रकार से बोलेंगे, खेलूँ नहीं तो क्या करूँ, व्हाट डू आई डू इफ़ नॉट प्ले, व्हाट डू आई डू इफ़ नॉट प्ले, और यू कैन से व्हाट शुड आई डू इफ़ नॉट प्ले, व्हाट शुड आई डू इफ़ नॉट प्ले, सोना तो क्या करूँ, What do I do if not sleep? What do I do if not sleep? इसे मारू ना तो क्या करूँ? What do I do if not beat him? What do I do if not beat him? आराम ना करूँ तो क्या करूँ? What do I do if not rest? What do I do if not rest? रो ना तो क्या करूँ? What should I do if I not cry? What should I do if I not cry? Or you can say, What do I do if I not cry? What do I do if I not cry? उस पर गुस्सा ना करूँ तो क्या करूँ? What do I do if I not angry at him? What do I do if not angry at him?